आज हम दिखाने जा रहे हैं दो बहनें, जिसमें से एक के अंदर सारी गुड हैबिट्स थी और दूसरे के अंदर बैड हैबिट्स। बड़ी बहन का नाम है जिनी, जो हमेशा साफ और स्वस्थ रहती है। छोटी बहन का नाम है ध्वनि, जो हमेशा गंदी रहती है। ध्वनि, चल मम्मी ने हमारा खाना लगा दिया, हम लोग हैंड वॉश करके आते हैं, फिर हम लोग खाएंगे। दीदी, हैंड वॉश तो मैं करूंगी नहीं, मैं हैंड वॉश के बिना खाऊंगी आज। ध्वनि, आपको पता है हमें ना हैंड वॉश खाने से पहले भी करना चाहिए और खाने के बाद भी करना चाहिए, ताकि हमारे मुंह में जर्म्स ना जाएं। हाँ, मुझे तो जर्म दिख ही नहीं रहे। तो मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। है बुद्धू दीदी तो चली गई हैंड वॉश करने, मैं तो ऐसे ही खाना खा लेती हूँ। है तो वो बहने, पर दोनों में बहुत फर्क है। दीदी जल्दी से आओ, मैं सोते हैं। ध्वनि, चलो ब्रश करते हैं। दीदी मुझे तो नहीं करना ब्रश। आप जाओ। ध्वनि, आपको पता है ब्रश करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको भी पता है? फर्स्ट, हमारे मुंह में कैविटी नहीं लगती, और दूसरा, जो जर्म्स होते हैं ना हमारे टीथ के अंदर, वो नहीं फंसते। दीदी आप जाओ, मुझे नहीं करना, जाओ आप। ठीक। ध्वनि कोई भी बात नहीं मानती थी, ना ब्रश करती थी, ना हैंड वॉश करती थी, और ना साफ कपड़े पहनती थी, और नेल्स भी नहीं कटवाती थी। ध्वनि आ जाओ, मैंने अपने नेल्स काट लिए, मैं आपके भी काट देती हूँ, आपके बहुत बड़े नेल्स हो रहे हैं। मैं तो नहीं काटने वाली, मैं तो ऐसे ही रखूंगी अपने नेल्स। बता, हमें ना अपने नेल्स काटने चाहिए, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं ना हमारे नेल्स के अंदर, फिर जब हम लोग उसको खाते हैं, वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो नहीं कटवाने वाली, मैं तो सुंदर सी अच्छी सी नेल पेंट लगवाऊंगी। ध्वनि सुनना ही नहीं चाहती थी जो उसकी बहन उसे समझाती थी। अब जिन्नी की गुड हैबिट की वजह से सब जिन्नी को बहुत पसंद करते थे, पर ध्वनि को नहीं। एक दिन जिन्नी और ध्वनि खेल रहे थे। आ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अभी मैं मम्मी को बुला के लेकर आती हूँ। जब डॉक्टर ध्वनि का चेकअप करते हैं, तो पता चलता है कि ध्वनि के पेट में इन्फेक्शन हो गया है, और वो क्लीन ना रहने की वजह से हुआ है। ध्वनि अपनी बहन से माफी मांगती है और कहती है कि अब से मैं क्लीन एंड हेल्दी रहूंगी। अभी हमेशा हमें मॉर्निंग में ब्रश करनी चाहिए अच्छे से, हमें सोते वक्त पे पहले करनी चाहिए ब्रश, जिससे कि हमारे टीथ में कैविटी ना लगे। हमें खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, ताकि जो जर्म्स होते हैं ना हमारे हैंड्स में, वो हमारी स्टमक में ना जाएं। मैं हमेशा अपने नेल्स काटने चाहिए अच्छे से। हाँ फ्रेंड्स, आप भी काटना अपने नेल्स। फ्रेंड्स, हमें अपने हेयर कट टाइम टू टाइम कट करवाने चाहिए और डेली कॉम करना चाहिए। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए अच्छे से। फ्रेंड्स, आपको हमारी गुड हैबिट्स वाली वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और छोटी वाली घंटी को भी बजा देना। बाय बाय।